दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, इस वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं। देखिए कार के अंदर लाश। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार हो छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं पर मौजूद था घटना स्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को तीन लोगों पर शक हो जाता है। कैबिन से पूछता है तो कैबिन क्या बोलता है, मैं बेकर से लोन की बात कर रहा था। उसके बाद मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने क्या कहा, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक से पूछा तो मैकेनिक ने क्या बताया, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियाँ बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसा बता सकता है, जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, चोर यही है, हत्यारा यही है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको दिखाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आई होगी इस कहानी को सुनने में। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना है, और चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।